सो so, यहाँ पे क्या है कि एक कोई भी ट्राइंगल है सपोज़ ये ट्राइंगल है A, B, C, ए बी सी यानी कि साइड्स हैं ए बी सी अब क्या होता है कोई भी साइड उठा लो जैसे सी है सी की जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी दो अदर जो साइड्स हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होगी और उनके सम से छोटी होगी तो जो सी है वो दो अदर साइड्स के डिफरेंस से बड़ी होगी और दो साइड्स के सम के से छोटी होगी कंडीशन सेटिस्फाई ही करती है चाहे कोई भी उठा लो सपोज़ बी उठा लो जो बी होगा वो ए और सी के डिफरेंस से बड़ी होगी एंड ए दोनों के सम से छोटी होगी जैसे अगर ये साइन ट्राइंगल पूछा जाए ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है एट्टी नाइन एक साइड एटी नाइन एक है वन जीरो सेवन एक है फिफ्टी थ्री सपोज कोई भी उठा लो हम एटी नाइन उठा लेते हैं तो एट्टी नाइन वन जीरो सेवन और फिफ्टी थ्री के सम से बड़ा होना चाहिए तो वन जीरो सेवन माइनस फिफ्टी थ्री हमारा चार और दिस इज फिफ्टी फोर ये बड़ा है ठीक है और इससे इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए तो वन जीरो सेवन प्लस फिफ्टी थ्री इन दोनों इनों के हिसाब से तो है ही छोटा तो वन सिक्सटी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हाँ ये ट्राइंगल बन सकता है सपोज़ एक और ट्राइंगल है सपोज़ एक और ट्राइंगल बनता है इसमें एक इसकी साइड है थ्री जीरो सेवन एक फाइव नाइन्टी फोर और एक है हमारी टू जीरो एट हम सपोज थ्री जीरो सेवन उठा के देखते हैं थ्री जीरो सेवन बड़ा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है फाइव नाइन्टी फोर माइनस टू जीरो एट यार है हमारा छः दिस इज़ एट सिक्स एट फाइव थ्री एट्टी सिक्स नहीं इससे बड़ा आ रहा है तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि ये जो थर्ड साइड है ये दोनों साइड्स की डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और दोनों और छोटी होनी चाहिए दोनों साइड के सम से तो यहाँ डिफरेंस से बड़ी आ रही है ये डिफरेंस बड़ा आ रहा है ये साइड छोटी आ रही है तो गलत हो जाएगा ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा तो जैसे क्वेश्चन था एक कि दो साइड ट्राइंगल ट्रा... दो साइडों ट्राइंगल हैं जैसे थ्री और एट थर्ड साइड एक्स है तो एक्स की कंडीशन बतानी है तो एक्स जो होगा हमारा इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा मतलब थ्री माइनस एट मतलब फाइव से बड़ा होगा और इन दोनों के सम के मतलब ग्यारह से छोटा होगा तो ये जो एक्स है फाइव से बड़ा होगा मतलब दोनों के डिफरेंस एट माइनस थ्री से बड़ा होगा और इन दोनों के सम से छोटा होगा तो जो एक्स की वैल्यू फाइव एंड एलेवन के बीच में होंगी